Hi everyone, let's come to question number 4 of house property. Question number 4 bhi co-ownership ka section 26. Yaad kijiye, section 26 of house property. 26 of house property ka question hai. Hum logon ne question number 3 mein bhi co-ownership ke baare mein detailed mein discuss kiya tha. And the students who are watching this video for the first time, aap log please isse pehle playlist mein aapko ek video mil jayegi question number 3 ki, जहां पर मैंने co-ownership के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है. सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन विच सेज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. मिस्टर राहुल इज अ co-owner ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी. यानी कि 50% का ओनर है मिस्टर राहुल. पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन है, म्यूनिसिपल वैल्यू 1.6 लाख, फेयर रेंट 1.5, स्टैंडर्ड रेंट 1.7. आप जानते हैं एक्सपेक्टेड रेंट होता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, इन दिस केस 1.6, लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट 1.7 विच एवर इज लोअर. सो हेयर इट विल बी 1.6 लाख एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा. रेंट रिसीव 15,000 पर मंथ, पूरे साल का अगर रेंट रिसीव हुआ है 15,000 × 12 1,80,000. तो एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट को जब आप कंपेयर करेंगे तो एनुअल रेंट ही हायर आ रहा है. GAV will be 1,80,000. आगे गिवन है द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 25,000, आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड. इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट डिडक्शन होती है अगर सेक्शन याद है आपको तो, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी में. थोड़े से तो सेक्शन है 22 से लेकर 27. इंटरेस्ट होता है 24B में, अलाउड होता है ऑन ड्यू बेसिस. तो अगर 25,000 में से 21,000 भी पे हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक छोटा सा नोट दे दीजिएगा, अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, इंटरेस्ट इज अलाउड ड्यू बेसिस पर. तो 25,000 पूरा इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा. आगे गिवन है इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज ₹450. 24B में इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर लिया है आपने कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, परचेज करने के लिए, रिपेयर्स या रिनोवेशन कराने के लिए लोन लिया है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, उसके ऊपर का ब्याज अलाउड है. इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट अलाउड नहीं है तो 450 अलाउड नहीं होगा. नेक्स्ट इज टू रिपे दिस लोन राहुल एंड हिज ब्रदर हैव टेकन अ फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन इज 5,000. एक आपने होम लोन लिया है किसी पर्टिकुलर बैंक से, आप अपना ये बैंक चेंज करना चाहते हो तो दूसरे बैंक को बोलते हो कि आप पुराना वाला लोन रीपे कर दीजिए और हम आपसे लोन ले लेते हैं. तो ऐसा होता रहता है. लेट से आपने HDFC बैंक से लोन लिया था, उसके बाद आप उस लोन को कन्वर्ट कराना चाहते हो SBI से, सो यू कैन टेक अ फ्रेश लोन टू रीपे द ओरिजिनल लोन. बात एक ही है बेटा, जो दूसरे बैंक से लोन लिया है वो भी हाउसिंग के लिए ही लोन था, उसका ऊपर भी इंटरेस्ट अलाउड होगा. तो अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करा देते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र इज़ अ बैंकिंग टर्म, एक बैंक का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था लोन का, वो आपने किसी दूसरे बैंक से ट्रांसफ़र करा लिया है, सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, 5,000 इंटरेस्ट भी अलाउड हो जाएगा. तो यहाँ पर दिया गया है ये जो मेन क्वेश्चन है ये इंटरेस्ट का ही है. इस वाले पैराग्राफ में दिया गया 25,000 का इंटरेस्ट था, इसमें से 21,000 पे करे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25,000 पूरे अलाउड हो जाएंगे. 450 इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा. ओरिजिनल लोन लिया है, ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए फ्रेश लोन लिया है, वो भी आपका सिमिलर रहेगा, 5,000 अलाउड कर दीजिएगा. टोटल 30,000 अलाउड हो जाएंगे पूरे घर के. प्रिंसिपल टैक्सेस ऑफ 5,100 इज पेड बाय द टेनेंट, बिल्कुल भी अलाउ मत कीजिएगा, जो ओनर पे करता है वही अलाउड होते हैं. तो यहाँ पर 5,100 अलाउड नहीं होंगे. कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राहुल. मिस्टर राहुल के लिए इनकम निकालनी है आपको हाउस प्रॉपर्टी की. कैसे करेंगे? सेक्शन 26 को ओनरशिप का है, लेट आउट प्रॉपर्टी है. लेट आउट प्रॉपर्टी में पहले पूरे घर की इनकम निकाल दीजिए, उसके बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा बिटवीन द को ओनर्स. आप अपनी स्क्रीन पर सॉल्यूशन देख सकते हैं. तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसका आप नोट बना सकते हैं, 1,80,000 आएगा. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ही अलाउड होते हैं, किसी और ने पे किया है तो अलाउड नहीं होंगे. NAV आ जाएगी आपकी 1,80,000, 24A की डिडक्शन 30%, फ्लैट मिल जाएगी. 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग
कि आप नोट बना सकते हैं या फिर ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, 25,000 प्लस 5,000, और नीचे एक छोटा सा एक लाइन का ही नोट दीजिएगा कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है 450 रुपीज़। दूसरा बात, इंटरेस्ट अलाउड होता है 24B में ड्यू बेसिस पर। तीसरी बात कि फ्रेश लोन लिया है टू रीपे द ओरिजिनल लोन, दैट इज़ ऑल्सो एलिजिबल लोन, उसको हम अलाउ कर देंगे। इस तरीके से आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 96,000 आ जाएगी। ये पूरे घर की इनकम है। पहले लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरे घर की इनकम निकाल दीजिए, उसके बाद डिडक्शन दे दीजिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप। तो राहुल यहाँ पर 50% का को ओनर है, तो उसको डिडक्शन, उसको इनकम उसके हिस्से में आएगी 48,000 रुपीज़ की। सो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 26 को ओनरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, छोटा सा सेक्शन है, उसको रिवाइज़ कीजिए और अपने क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।